Hi guys, welcome back to my channel. So आप लोग अगर मुझे जानते हो या आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको पता हुआ कि मुझे वुलन फैब्रिक से कितनी दिक्कत है. लाइक विंटर्स के सीज़न में मैं पहनती हूँ वुलन स्वेटर्स वगैरह, बट मुझे ना अंदर कुछ कॉटन या कुछ कंफर्टेबल फैब्रिक पहन के ही मैं ऊपर पहन सकती हूँ. डायरेक्ट मेरी स्किन के टच पे अगर वुलन आए तो मुझे वो बहुत दिक्कत देता है. सो यही एक रीज़न है कि मुझे विंटर्स में हुडीज़ और स्वेटशर्ट्स ये सब पहनना बहुत अच्छा लगता है. और ये वाली जो हुडी जो मैंने अभी पहनी हुई है, ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली थी और ये मैंने इस साल इतनी पहनी कि लिटरली मेरे इंस्टा पे स्टोरी रिप्लाईज आने लगे थे कि ये आपकी फेवरेट हुडी ऑफ द सीज़न है क्या. और मेरी ना सिर्फ इसी सीज़न में नहीं, मेरी हर साल कोई ना कोई ऐसी फेवरेट सी स्वेटशर्ट या हुडी ज़रूर होती है जो मैं बहुत पहनती हूँ. मार्केट गई तो वो पहन के चली गई, या नॉर्मली भी दिन में एक दिन धोई एक दिन पहन ली, वैसा वाला हाल है मेरे साथ. तो ऐसा बहुत होता है, लाइक मेरे बहुत ही कम कपड़े मेरे फेवरेट्स होते हैं और मैं उन्हें रिपीट कर करके बहुत पहनती हूँ. बाकी मेरे कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं. सो मुझे कमेंट से बताना कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी ऐसा ही होता है. जो मेरे कम्फर्टेबल कपड़े हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं मैं बहुत पहनती हूँ. तो मेरी आज की वीडियो भी होने वाली है स्वेटशर्ट्स पे, और शायद मैंने एक दो स्वेटर्स ही मंगवाए हैं अगेन फ्रॉम मीशो, क्योंकि जब मैंने अपने जैकेट वाला ऑर्डर लगाया था तो तभी मेरा मन हुआ कि मैं स्वेटशर्ट्स ही मंगवाऊं, क्योंकि मुझे एक दो आर्टिकल्स बहुत पसंद आ रहे थे. तो तब मैंने वो ऑर्डर नहीं लगाया, मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया था और आज मेरे सारे ऑर्डर्स आ गए हैं. लाइक 6 तो पहले आ गए थे, 3 और आने थे, मैं उनका वेट कर रही थी, आज वो 3 भी आ गए हैं. तो मैंने सोचा इस बार विदाउट डिले टाइम से शूट करूँगी और टाइम से वीडियो निकालूंगी. और फिर मेरा मन है कि लाइक विंटर्स के वीडियोस विंटर्स में ही आए, विंटर्स के स्वेटर्स स्वेटशर्ट्स हुडीज वगैरह, तभी मज़ा आना. मैं ये वीडियोस जाके अभी का लाइक जैसे मैं पहले कर रही हूँ 6-6 महीने पुराने ऑर्डर्स की वीडियोस निकाल रही हूँ, मैं ये आज मंगा के मैं 6 महीने बाद वीडियो निकालूँ तो कोई सेंस नहीं बनता ना. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे स्वेटशर्ट्स एंड स्वेटर्स फ्रॉम मीशो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. पूरे 9 आर्टिकल्स हमारे आ चुके हैं. लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद दिस वन. मैंने जस्ट अभी पीछे लाइट्स ऐड की, मुझे बताना वो कैसी लग रही है. बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही टेम्परेरी सेटअप मैंने वो किया है पिंकी की मदद से. पिंकी मैंने लाइट्स लगाती हूँ, मैंने बोला देख पिंकी अब कितना अच्छा लग रहा है. पिंकी कहती है हाँ दीदी अब सही कह रही हो, अब मैं और वीडियोस देखूंगी ऑनलाइन और देखूंगी और क्या क्या अच्छा लगता है वीडियोस में. मैंने कहा ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया पिंकी, अब थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. ओके सो फर्स्ट है हमारे पास ये दिस. मैं फ़ोन लेके आती हूँ, लिख के आती हूँ ये रखा. सो दिस वन इज़ ये 4 कलर्स में है एंड ये सिर्फ 267 रुपीज़ की है. इसका नाम यहाँ पे लिखा है टाइगर प्रिंट सुपर सॉफ्ट वेलवेट हाई नेक फॉर सेमी विंटर. ये स्वेटर के सेक्शन में ही मुझे मिला था एंड ये मैंने मंगवाया है स्मॉल साइज में. ओके तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं. क्लियरली नाम से पता चल रहा है कि इसका फैब्रिक इज़ वेलवेट. ओके ये मुझे हाई नेक टी शर्ट वाला फील ज़्यादा दे रहा है. लाइक स्वेटर वाला तो मुझे ये कपड़ा ही नहीं लग रहा, ये तो बहुत झीना और बहुत ही पतला है. आई डोंट नो कि इसको स्वेटर के या स्वेट शर्ट के सेक्शन में क्यों इन लोगों ने रखा. मुझे लगा था कि फैब्रिक शायद मोटा होगा, आई हैव नो क्लू. पर ठीक है कोई बात नहीं. इंडिविजुअली अगर मैं इसकी बात करूँ तो वेलवेट का फैब्रिक इज़ गुड, कोई गंदी क्वालिटी यूज़ नहीं की है. छूने में ये मुझे सॉफ्ट लग रहा है, इसके कलर कॉम्बिनेशन सब प्रिटी. इस पर जो ये टाइगर प्रिंट हो रखा है ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है. ब्राउन कलर, लाइक कलर तो एग्जैक्टली लाइक जैसा ये फोटो में दिख रहा था पिक्चर में एग्जैक्टली वैसा ही आया है. इसका टाइप यहाँ पर लिखा है पुलोवर्स, लेंथ इज़ रेगुलर, नेक कॉलर इज़ हाई. फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी है. लाइक यहाँ पे लिखा भी है सुपर सॉफ्ट वेलवेट, तो सुपर सॉफ्ट तो नहीं बट हाँ सॉफ्ट वेलवेट है. ठीक है ऐसे तो ये मुझे सही लग रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो इट्स नॉट अ बैड डील. अगर ये पहन के स्मार्ट लगा तो ऐसे वाले बहुत यूज़ होते हैं. आप अंदर पहनो ऊपर जैकेट डालो कोट्स डालो ब्लेजर्स डालो, तो इस टाइप के हाई नेक्स की भी बहुत नीड रहती है. मेरे पास तो वाइट कलर में ब्लैक कलर में एंड वो बहुत यूज़ होते हैं विंटर्स में. सो लेट्स ट्राई दिस. OMGs, I am impressed. ये इतना कंफर्टेबल और इतना प्यारा फील मुझे आ रहा है इसका पहनने के बाद एंड कितना स्मार्ट लग रहा है पहना हुआ. आप ये चीज़ देखो, मैंने जैसे इसकी लेंथ दिखाने के लिए इसको टक नहीं किया, मैं आपको इसको टक करके दिखाती हूँ फिर इसका प्रॉपर लुक हमें पता चलेगा. अभी तक तो आई एम सो हैप्पी विद दिस वन. हाँ एक तो जब से मैंने बॉडी सूट्स पहनने स्टार्ट किए हैं तब से मुझे ये फोल्ड्स बहुत दिक्कत देते हैं कपड़ों के. मुझे वो बॉडी सूट्स की आदत पड़ गई, इसमें ऐसे कोई फोल्ड्स नहीं आते, इतना स्मार्ट सा लगता है ना.
बट ये गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे था कि शायद ये बिल्कुल भी ठंड ना रोके, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि ये मेरा जो ये स्टूडियो ये हॉल है बहुत बड़ा सा स्पेस है, तो अच्छी खासी ठंड यहाँ पे इस वक्त हो रखी है। एंड इसे पहन के ऐसा नहीं कि मुझे बहुत वार्म लगने लगा, बट हाँ ये ठंड रोक रहा है, इसमें भी आपको वार्म फील होगा। इसके ऊपर जैकेट वगैरह तो आपको पहननी ही पड़ेगी, बट गाइस ये बहुत स्मार्ट आर्टिकल है, इसके प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ इट है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट, इसकी क्वालिटी, इसका पहनने के बाद लुक, इसका फील ऑन स्किन, एवरीथिंग इज वाओ। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, एंड ये मुझे थोड़ा मोटा सा बड़ा सा लग रहा है, वो देखने में वो तो छोटा सा ही लग रहा था मुझे, मुझे खुद। ओहो, दिस इज अ स्वेट शर्ट। ये वो मुझे याद आया, ये लाइक आपके एंकल तक आती है, ये बहुत लंबी होती है। मैंने फ़ोटो देखा, लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई स्वेट शर्ट नहीं देखी जो आपके ऊपर से लेके नीचे तक आपको कवर कर देती है। तो जब ये मुझे मीशो पे दिखी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, आई वॉज़ लाइक आई हैव टू ट्राई दिस, एंड मुझे देखना है कि मैं इसे पहन के कैसी लगती हूँ। पिंकी हंसे जा रही है उसको देख देख के। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, आप ये वाला फैब्रिक देखो अंदर, आई होप आप समझ गए होंगे। सो जो ऐसी वाली स्वेट शर्ट्स होती है इसके अंदर ये वाला होता है कंबल जैसा कपड़ा, ये वाला मैं ये भी नहीं पहन पाती हूँ। लाइक मेरी जो ये वाली स्वेट शर्ट है ना, इसके अंदर से भी ऐसी ही है, ऐसा फैब्रिक है इसका, तो वो ही पहन पाती हूँ मैं। अब ये भी मुझे दिक्कत देगा, कोई ना, बट पहन के तुम देख ही सकते हैं, मैं इसका नाम वगैरह देखती हूँ। सो ये बहुत ही प्यारे प्यारे चार कलर्स में है, बट मैंने इसको ग्रीन मंगवाया है, लाइक पेस्टल ग्रीन। इसका नाम यहाँ पे लिखा है सुपर स्टाइलिश एयरपोर्ट लॉन्ग लुक, एयरपोर्ट लुक लॉन्ग हुडी ड्रेस नाइट वियर फॉर विंटर्स। ये 719 रुपीज़ की है, एंड यहाँ फोटो में भी ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ही आ रही है उस बंदी को, एंड शी इज़ वियरिंग शूज़ उसके नीचे। ये स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल में है, मैंने इसको स्मॉल में ही मंगवाया होगा फॉर श्योर, येस। सो अभी तक तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एंड नो डाउट ये बहुत गर्म होगी। इसको छूते ही मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बहुत ही अच्छा खासा मोटा विंटर्स का कुछ कपड़ा छुआ है। अभी तक तो मुझे इससे बहुत हाई होप्स हैं कि ये पहन के अच्छी लगे एंड काफ़ी वार्म फील भी दे। तो चलो लेट्स ट्राई दिस, इसको पहन के देखते हैं इसका लुक वगैरह कैसा आता है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ सीरियसली। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पहन के अच्छी लग रही हूँ या मेरे पीछे कुत्ते पड़ने वाले हैं, क्योंकि पिंकी तो बोल रही है अब जादू लग रही हूँ, जादू। वेट, मैं ये भी लगा लेती हूँ ताकि मैं वो पूरी कमी पूरी कर दूँ। सी गाइस, अगर मैं ऐसे निकल गई, इस स्टाइल इज़ रियली न्यू टू मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऐसे फिट करवा लूँ इसको, तो ये ऐसे थोड़ा ड्रेस टाइप फील दे रहा, तो मुझे स्टिल अच्छा लग रहा है। सो गाइस मैं इसको लेके इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों ने मुझे इसमें देख लिया, अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ जाके मुझे बताना, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ या नहीं। प्लीज़ अभी जाओ और फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। इसके कलर्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, पिंकी फुल खुश है एक आर्टिकल देख के। यार ये सारे इन लोगों ने पता नहीं क्यों अंदर ऐसा वाला फैब्रिक क्यों यूज़ किया है, ये पूरा अंदर से वार्म वाला गर्म सा फैब्रिक नहीं होता, ये वो है। लाइक विंटर्स के लिए इट्स गुड, आप पहनोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बट नॉट गुड फॉर मी, मैं इरिटेट हो जाती हूँ ऐसे से। इसका नाम यहाँ पे लिखा है विमेंस ग्राफिक हुडी जिप अप ड्रॉ स्ट्रिंग लॉन्ग स्लीव, इसमें जिप है पहली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक आपको मिल जाएगी। इसके मुझे कलर बहुत अच्छे लगे थे, लाइक एक साइड से बेज, एक साइड से ये क्रीम। फ़ोटो जैसी अभी तक तो ये मुझे काफ़ी सिमिलर लग रही है, लाइक फ़ोटो जैसी ही लग रही है, बट फॉर श्योर ये आर्टिकल और ये आर्टिकल सेम नहीं है, ये अगेन कॉपी किया गया है। ये यहाँ पे लिखा है कलर इज़ बेज, फैब्रिक इज़ फ्लीस, एंड टाइप इज़ जिपर्स, रेगुलर लेंथ। मैंने इसको स्मॉल साइज ही मंगवाया होगा। यस ये 527 रुपीज़ के, यार 527 थोड़ी महंगी नहीं है ये, मतलब 527 की तो ये मुझे वर्थ इट नहीं लग रही, आई डोंट नो। और मैंने इसको स्मॉल साइज ही मंगवाया, तो चलो मैं इसको पहन के देखती हूँ पहले, लेट्स ट्राई। ये तो मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हुआ, आई लव द फिट, आई लव द वे इट इज़ लुकिंग, और इसके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एवरीथिंग बहुत ही कंफर्टेबल फील दे रहा है ये पहन के, एंड बहुत ही वार्म भी है। मुझे अपने इस जीन्स के साथ भी पहना हुआ, ये इतना स्मार्ट सा लग रहा है। सी
और इसको तो आप बहुत तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो, लाइक आप जिप खोल के पहनो, अंदर सैंडल्स वगैरह डालो, कुछ स्टाइलिश से लुक्स बनाओ, और वैसे नहीं पहना तो बंद करके कैरी कर लो। तो यू गाइस कैन वेयर दिस आर्टिकल मल्टीपल टाइम्स। ये वो वाला आर्टिकल है, कहीं बाहर गए नॉर्मली ऐसे जीन्स के साथ इसको डाला चले गए और खोल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले कपड़े जिनमें जिप होती है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं और वो ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपेरेटिवली वो स्वेटर जिनमें जिप वगैरह नहीं होती और जिसमें पॉकेट्स होते हैं। तो इसमें पॉकेट्स भी है, जिप भी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, दिमाग चल गया है मेरा, हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। दिस मैंने ब्राउन कलर में मंगवाया है इसको, यार इसमें सारे अंदर से ऐसे हैं, और पिंकी खुश हो जा रही है देख देख के, उसे लग रहा है कि मेरे लाइक मेरे किसी काम का कोई नहीं होगा। मुझे लगा था जैसा इसके अंदर है ना वैसे से आएगा। आई एम अपसेट। ओके, ऐसे तो ये सही लग रही है ना देखने में, तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है मैंने इसको मंगवाया है। जैसा लगता है मीशो पे जो भी चीज़ एक्स्ट्रा स्मॉल में मिलती है मैं उसको सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवा लेती हूँ, वरना क्योंकि यूजुअली इनका स्टार्टिंग साइज मीडियम ही होता है, स्मॉल भी होता है कभी कभी, बट एक्स्ट्रा स्मॉल तो बहुत रेयर। तो ये जब मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल में मिली होगी तो मैंने इसको तुरंत एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवा लिया। यहाँ पे इसका नाम लिखा है प्रिटी फैशनिस्टा ट्रेंडी फैशनेबल प्रिंटेड स्वेटशर्ट फॉर वुमेन। मैंने ये मंगवाई है ओवर थिंकिंग वाली, बट आपको सेम कलर में मिल जाएगी। इस पर लिखा है बेब, एंड इसका एक और कलर है रस्ट कलर, ऑरेंज रस्ट जैसा है, उस पर भी लिखा है बेब, एंड एक है हार्ट शेप। मतलब मैं फोटो लगा दूँगी तब समझ जाओगे कौन कौन सी मिल रही है। ये 311 रुपीस की है, सो उस प्राइस के हिसाब से तो ये मुझे ठीक लग रही है, एंड मुझे इसे छू के लग रहा है कि ये अच्छी खासी गर्म होगी, इसको पहन के आपको ठंड नहीं लगेगी, स्पेशली यहाँ की विंटर्स। अगर आप किसी बर्फ़ वाली जगह जा रहे हो तो फिर तो आपको इसके ऊपर कुछ पहनना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस, ऑलवेज रिमेंबर। सो ओवर थिंक नहीं करना है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको ट्राई करती हूँ। इसीलिए मुझे शूट्स के बीच खाना नहीं पसंद, मैंने ना अभी खाया वो मेरे दांतों बीच में फंस गया, मैं तब से निकाल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो कैमरा पे दिखेगा तो कितना गंदा लगेगा। यहाँ पे कुछ टूथपिक्स वगैरह भी नहीं है क्लीन करने के लिए मेरे पास, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। एनीवेज आप इसको देखो, ये वाला मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा ओवरसाइज्ड होगा जिस हिसाब से मुझे पिक्चर्स देख के आइडिया लग रहा था, बट ये स्टाइल थोड़ा सा लाइक ये वाला जो फोटो है ना ये बैगी सा है, इसकी स्लीव्स भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसके शोल्डर्स लंबे से नहीं होते वो वाला स्टाइल है, बट ये आर्टिकल डिफरेंट है। लिखा तो सेम है ओवरथिंकिंग, बट ये बहुत ही बेसिक सा लग रहा है, लाइक वो स्टाइल होता तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता। तो पहले मुझे लगा शायद मैंने साइज़ छोटा मंगवा लिया, अगर मैं साइज़ बड़ा भी मंगवाऊंगी तो वो ऐसे में बड़ा आएगा, वो और गंदा लगेगा, वो ओवर साइज़ वाला फील तब भी नहीं आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बकबक, ये बहुत गर्म है, बहुत वार्म फील दे रहा है, एंड बेसिक सा तो ये सही लग रहा है मुझे। इसके प्राइस के हिसाब से कितने का है ये, 311, इसके प्राइस के हिसाब से इट्स नॉट बैड, लाइक 300 रुपये में अगर आप कुछ ऐसा आर्टिकल आपको मिल रहा है वो दिखने में ऐसा लग रहा है, एंड वार्म भी है गर्म भी है, स्टिचिंग क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, कोई चीप भी नहीं लग रहा है ऐसे, तो ठीक है, दिस इज़ नाइस। ऐसा बेसिक सा जीन्स के साथ पहना हुआ तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है ये, एंड इट्स अ स्वेटर, इट्स अ कार्डिगन, मेरी मम्मी को सुनाएगा ये, मेरी मम्मी को बड़े अच्छे लगते हैं जैसे कार्डिगन। इट्स अ रेड कलर का कार्डिगन, अलग ही ट्रिप पे जा रखी हूँ आज मैं, प्लीज इग्नोर। ओके, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? पिंकी अपनी राय देगा ना, चाहेगी तो उसके बारे में? सही लग रहा है, देखूँ मैं इसका नाम वगैरह, लेट्स चेक। ये वाला, इसका नाम यहाँ पे लिखा है अट्रैक्टिव प्योर वुल विंटर वियर डबल कॉलर विद साइड पॉकेट्स, एंड ये बहुत सारे कलर्स में है, लाइक बहुत सारे कलर्स में यहाँ पे लगाऊंगी, सो यू गाइस विल नो, बट आई डोंट नो कि मैंने इसको रेड कलर में क्यों मंगाया, ये इतना चटकीला रेड आया है ना। वैसे नो डाउट विंटर्स में ऐसे चटकीले कलर्स अच्छे लगते हैं, विंटर्स में पहने भी जाते हैं, अगर मैं ऐसा चटकीला सा रेड समर से पहन के निकलूँगी तो वो आँखों को बहुत चुभेगा, बट ठीक है। 498 रुपीज़ का, एंड स्टार्टिंग साइज इज़ मीडियम, तो मैंने इसको मीडियम में ही मंगवाया है, एंड ऑफकोर्स मीडियम के हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ठीक है, स्वेटर्स वगैरह थोड़े बड़े चल जाते हैं, तो उसको हम खोल के पहन सकते हैं, आप अंदर कुर्ता वगैरह डालो, वुलन कुर्ता पहनो तो उसके ऊपर भी आपको आराम से आ जाएगा, और विंटर्स में यूजुअली कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, तो अगर मैं छोटा साइज़ मंगाती तो मे भी शायद ये फंसता ना, बट ठीक लग रहा है मुझे ये। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत वाव तो नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से ये मुझे सही लग रहा है, आई थिंक ये ठीक ठाक वॉर्म भी रखेगा आपको, तो चलो बाकी तो उसको पहन के देखते हैं, अभी तक तो ये मुझे सही लग रहा है।
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas की मुझे ड्रेस मिल गई. ये स्वेटर मुझे बहुत चुभ रहा है पहनने के बाद. एक तो मैंने कुछ अंदर पहना नहीं हो, बट मैंने जितनी भी हुडीज़ और स्वेटशर्ट्स अभी ट्राई किए वो फिर भी नहीं चुभ रहे थे. इसका फैब्रिक है थोड़ा सा कि आप सिर्फ स्वेटर नहीं पहन सकते, आपने कुछ अंदर स्लीवलेस पहना है. आप सोचो मैं ऊपर से स्वेटर पहन लूँ तो ये आपको चुभेगा, क्योंकि स्लीव्स पे तो ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है. बट इसके कॉलर्स वगैरह बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे. इसका कॉलर देखो थोड़ा सा मुझे बड़ा है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करवा लूँगी तो ये स्मार्ट तो लग रहा है. सी पहना हुआ मुझे अच्छा लग रहा है. प्लस इतना अच्छा चटक सा रेड कलर है इसका. इस टाइप के कार्डिगन कुर्ता के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. जीन्स के साथ भी मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. ड्रेसेस के साथ सो कार्डिगन्स बहुत यूज़ हो जाते हैं. ये भी मुझे सही लग रहा है. मैं मम्मी को दिखाऊंगी, उन्हें पक्का पसंद आएगा. नेक का सेट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस. ओके मैं समझ गई. ये बहुत ही स्टाइलिश सा एक कोई आर्टिकल मुझे दिखा था एंड ये वो ही है. सो दिस इज इसका नाम है मार्क टीपी टाई अप डाउन होल्डर हुडेड सॉलिड स्वेटशर्ट ड्रेस फॉर वुमेन. एंड ये ही पहली वो स्वेटशर्ट जो मैंने देखी थी. मैंने कहा स्वेटशर्ट ड्रेस, मैंने आज तक कभी स्वेटशर्ट ड्रेस ना पहनी ना देखी. और ये मुझे, मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी तो आपको ये बहुत सुंदर लगेगी. लाइक बहुत ही अट्रैक्टिव से कुछ डिफरेंट सा ये आर्टिकल मुझे लगा. तो मैंने सोचा इसको मंगवाना बनता है, फिर अकेला ये तो नहीं मंगवाती. तो मैंने इसलिए और भी स्वेटशर्ट्स एंड हुडीज़ एंड स्वेटर्स मंगवाई फॉर वीडियो. ये 5 कलर्स में है. इसका फैब्रिक इज़ फ्लीस. यस अंदर से वही सेम फैब्रिक है. सो बेसिकली इसमें यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग्स दिए हैं जिनको आपको खींचना है और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है. फिर ये प्रॉपर ड्रेस वाला इसका लुक आएगा. सो अगर मैं जैसा सोच रही हूँ ये पहन के वैसी लगी तो ये बहुत वाव लगने वाली है. आप इसके नीचे वार्म स्टॉकिंग्स पहनो, बूट्स पहनो बड़े बड़े एंड देन दिस ड्रेस. आप स्टाइलिश भी लगोगे, आप प्रॉपर गर्म भी रहोगे, विंटर्स का मज़ा लोगे पूरे फैशन में. और क्या चाहिए आपको. चलो मैं ये पहन के देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कभी कोई स्वेटशर्ट ड्रेस नहीं पहनी. This is a hoodie dress, but मैं इसको आपको जीन्स के ऊपर ये भी पहन के दिखाती हूँ. ठंड बहुत है, मेरा जीन्स उतारने का मन नहीं हुआ. तो ये है इसकी ड्रॉ स्ट्रिंग्स. इसको आपको खींचना है अपने हिसाब से ताकि वो लुक आए जो फोटोज़ में आ रहा है. मैं खींच के अभी दिखाती हूँ आपको. कुछ ऐसा इस साइड से एंड कुछ ऐसे ही आपको इस साइड से करना है. मैंने पूरे पूरे ड्रॉ स्ट्रिंग्स खींच दिए इनकी अप टू द फुल एक्सटेंट. और फिर ये कुछ ऐसा ही लग रहा है. ये लूज़ है क्या? शायद ये कुछ ऐसा रहेगा. पिक्चर्स में जो इसका लुक आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है. तो या तो ये मैंने शायद बड़ा साइज़ तो नहीं मंगवाया. साइज़ मुझे सही लग रहा है, बस ये है कि मुझे इसको यहाँ से ऑल्टर करवाना पड़ेगा ताकि वो ये वाला फील आ जाए, वो ड्रेस वाला लुक आए. क्योंकि ऐसे तो ये ढीला ढीला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. क्योंकि मैं तो इसके उस लुक पर फिदा हुई थी जो मुझे पिक्चर्स में दिखा, तब मैंने इसको मंगवाया. तो वो तो अभी ऐसे नहीं आ रहा. इसी ऐसे तो वो कुछ ऐसे करके ही आ रहा है. तो इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा आपको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. मुझे बाकी हुडीज से इसका फैब्रिक कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है. मैं इसका ये भी लगा के देखती हूँ. पर ये ठीक है, बाकी तो ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज दिस कुछ लड्डू पीला कलर समथिंग इन येलो. ओ वाओ, पिंकी मुझे पीछे से फ्लाइंग किस दे रही है. पीछे से मतलब कैमरा के पीछे से. ओके सो वो है ये. एंड अगेन सारे मैंने जितने भी मंगवाए हैं सबका अंदर से वही सेम फैब्रिक है. तो ये सारे मेरे तो किसी काम के नहीं है. मैं इनको बिल्कुल मतलब पहन पाऊँगी, बट मुझे अंदर फिर कुछ और पहन के पहनना पड़ेगा. डायरेक्टली इसको नहीं पहन सकती. पिंकी कहती ये बहुत सुंदर है और ये बहुत ही प्रिटी कलर्स में है. गाइज मैं इसके चारों कलर लगाऊंगी. आप इसके कलर्स देखना. इसका नाम लिखा है विमेन्स स्वेटशर्ट एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़ 420. यस ये मैंने 420 की मंगवाई है. एंड अगेन आई गेस मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया होगा. यस सामने पॉकेट है, इसमें अपने दोनों हाथ डालो, उनको गर्म रखो. सो बहुत ही सुंदर चटकीला सा येलो कलर है. ठीक लगता है यार विंटर्स में चटकीले कलर्स. विंटर्स में तो यू गाइस कैन कैरी एनीथिंग, जो भी चटकीला भटकीला हो सब अच्छा लगता है. मैंने सोचा आप किसी बर्फ़ वाली जगह पे इसको पहन के जाओ, दूर से दिखोगे आप पीला कुछ, कोई कुछ पीले कलर का पहन के खड़ा है. ये उतना अच्छा ब्राइट येलो कलर है ये. सो दिस इज़ नाइस. आया बाकी अब मैं इसको पहन के देखती हूँ. कुछ भी कह लो इस लड्डू पीले कलर ने तो दिल जीत लिया. पिंकी का फेवरेट है ये. अगेन इट्स अ बेसिक हुडी बट बहुत ही कंफर्टेबल है. बहुत ही परफेक्टली ये मुझे फिट हुई. इसका फिट देखो एक बार कितने अच्छे. प्लस पॉकेट्स हैं सामने एंड पॉकेट्स में भी वो फ्लीस फैब्रिक है तो आपके हाथ भी बहुत प्रॉपर गर्म रहेंगे.
ज़्यादा ठंड लगे तो आप लोग अपना सर भी कवर कर सकते हो कुछ ऐसे, आई नो मैं बहुत फनी लग रही हूँ, उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो। अच्छी लग रही है यार इसका, ये कितना प्यारा सा, ये देखो आप, ये इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कलर अच्छा है, दिस इज़ नाइस। अगर आपको ये चाहिए गो फॉर इट, मंगवाओ, आपको ये अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है ये दिस, ओह ये तो मुझे बिल्कुल टॉप जैसा लग रहा है, लाइक दिस इज नॉट समथिंग वार्म, नहीं ये तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा गर्म सा नहीं है, बहुत ही समर्स वाला फैब्रिक लग रहा है मुझे ये। मैं देखती हूँ ये मैंने क्या मंगवाया है, मुझे याद सा तो आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ मंगवाया था बट मुझे ये नहीं था। ओके सो दिस इज़, यस ये मुझे हुडीज़ के सेक्शन में मिला था, दिस इज़ एफ एन स्टोर टाई डाई क्रॉप हुडीज़ फॉर वुमेन, प्रिंटेड टाई डाई वुमेन हुडीज़ एंड लंबा सा नाम है इसका। आई ऑर्डर दिस इन साइज स्मॉल एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़ 292। ओके लग तो ये मुझे फ़ोटो जैसी ही रही है, सेम वैसी ही आई है, बट ये गर्म नहीं है, बट ये मुझे स्वेट शर्ट्स और उसके सेक्शन में ही दिखी थी तो मुझे लगा शायद ये भी कुछ वैसा ही होगा, बट ठीक है इसका प्रिंट वगैरह नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत प्रिटी है एंड आई गेस ये पहन के बहुत स्मार्ट भी लगेगी, तो इसको पहन के देखा जाए फिर बाकी पता चलेगा इसके बारे में। इसका ये टाई एंड डाई का प्रिंट नो डाउट बहुत क्यूट लग रहा है, बट गाइज ये मेरे ऊपर छोटा है, छोटा यहाँ से लाइक मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट इसकी स्लीव्स देखो आप बहुत टंगी टंगी सी आ रही हैं, छोटी, आई डोंट नो साइज़ कैसे छोटा रह गया। और ये आपकी बिल्कुल ठंड नहीं रुकेगा, पहले बता दूँ अगर आप ये सोच के मंगा रहे हो कि विंटर्स का आर्टिकल है, सो नहीं ये प्रॉपर समर्स का आर्टिकल है। सो मैंने ये मंगवाया है साइज़ स्मॉल में, आई गेस मुझे मीडियम पर जाना चाहिए था। और एक चीज़ और मुझे लग रही है वो ये कि इसके कलर्स थोड़े से ज़्यादा ब्राइट मुझे फोटो में लगे, मे भी शायद रेटिंग की वजह से लग रहे होंगे, इन रियल्स के कलर्स थोड़े से कंपेरेटिवली फीके हैं, बट सही लग रहा है ये, अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो तो इट्स नॉट बैड, जाती हुई ठंड में आपका ये काम आ जाएगा या फिर समर्स में तो आपका ये काम आ ही जाएगा, बट बहुत ज़्यादा समर्स में आई गेस, बट पीक समर्स के टाइम भी काम नहीं आएगा, फुल स्लीव से तो गर्मी लग सकती है, बट हाँ मार्च और अप्रैल वाले जो मंथ्स होते हैं उसमें अच्छा काम आएगा। सो सही लग रहा है यार ये, एंड बहुत अच्छा फैब्रिक है, ऐसे पहना हुआ भी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट हमारा आज का है ये दिस थिंग, कितना कॉम्पैक्टली पैक किया गया है इसको, बहुत मेहनत की गई है इसको ऐसे पैक करने में, इसे घुमा फिरा के। ओके ये उस पीले वाले का कलर लग रहा है ना, जैसे उस येलो का ही कलर हो, बिल्कुल सेम स्टाइल है बस वाइट कलर का, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट आई नीड कॉफ़ी। वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैंने बहुत टाइम से कॉफ़ी पीना छोड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ माई एंजाइटी इशूज़ एंड चॉकलेट खानी भी छोड़ी हुई है, मुझे मना है। एनीवेज मैं देखती हूँ यहाँ पे है प्रिंटेड हुडी लिखा हुआ है इसका नाम, और ये 429 रुपीज़ के एंड स्मॉल साइज़ में मैंने इसको मंगवाया है। ये मुझे ऐसे कलर ऐसे मैंने बॉयज़ के सेक्शन नहीं, बट है तो गर्ल्स की, ये येलो मस्टर्ड कलर में है, स्काई ब्लू वाइट एंड ब्लैक, मैंने इसको वाइट मंगवाया, वाइट मुझे अच्छी सी लग रही थी, लाइक लग तो मुझे अभी बिल्कुल फ़ोटो जैसी ही रही है, लाइक जैसी यहाँ पे पिक्चर है सेम वैसी ही दिख रही है। इसका ये फर्स्ट आई नीड कॉफ़ी भी सेम तरीके से ही लिखा हुआ है, फैब्रिक इज़ फ्लीस, कलर इज़ वाइट, टाइप इज़ पुलओवर्स, रेगुलर लेंथ एंड नेक इज़ हुड। थोड़ी सी बड़ी लग रही है साइज़ के, लाइक मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी है, बट कोई ना चलो लेट्स ट्राई दिस। जैसे बॉयफ्रेंड की हुडी स्टील करके नहीं पहनते ओवर साइज, ये मुझे वो वाला फील दे रही है कि मैंने चुरा के ये रखी हुई है फिर मैं आज इसको पहन के खड़ी हुई, बट अच्छा ये प्रॉपर ओवर साइज हुडी मुझे, लेकिन थोड़ी सी हुडीज़ ना मुझे हुडीज़ थोड़ी सी ओवर साइज ही पसंद है, तो ये मुझे अच्छी लग रही है, और ये बहुत गर्म है मुझे इंस्टेंटली बहुत गर्मी सी लग रही है इसको पहन के, तो अच्छी खासी वार्मथ ही आपको दे देगी इस ठंड के मौसम में। आगे इसमें पॉकेट्स भी हैं, पीछे देखती हूँ उसकी कैप की लेंथ कितनी है, हाँ मुझे ऐसे ही थोड़ी सी ढीली और बड़ी सी कैप्स पसंद है, अगर वो बिल्कुल चिपकी हुई टाइट हो ना तो मेरा सर दर्द करने लग जाता है, ये थोड़ी लूज लूज सी है, सो नाइस यार ये हुडी मुझे पसंद आई, और इसके प्राइस के हिसाब से भी ये बिल्कुल वर्थ इट है, सो अगर आपको मंगवाना है इसको मंगवाओ इस ठंड में और पहनो और ठंड को इन्जॉय करो। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, और आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा लगा मुझे वो भी कमेंट में बताना, और वो ज़रूर बताना कि वो लंबा ओवरऑल जो मैंने पहना था वो मेरे ऊपर कैसा लग रहा था। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सारे आर्टिकल्स मुझे ठीक ही लगे, बाकी सब आर्टिकल्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाओ जाके चेक करो, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।